और उन खास लम्हों में कुछ लम्हे बड़े यादगार होते हैं और उन खास लम्हों को यादगार बनाते हैं आप जैसे खास दोस्त। तो एक बार जोरदार तालियां, चलो इस प्रोग्राम की बेला को आगे बढ़ाते हैं। माई नेम इज विकास दास महान, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ स्कूल। जा बात मेरी देख यू नटा। अरे तुम क्या करे
से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। टिक 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 कसम ये खाए रे, टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे, टिक 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 कसम ये खाए।
महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। ओ लड़की हमारे भी मानने से विधायक जी यहाँ पर पधार रहे। माँ सरस्वती के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित के कष्ट करें। हमारे अतिथियों के द्वारा श्री लखनलाल देवांगन जी, पूर्व विधायक और संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ सरकार, और जितने भी हमारे सम्माननीय अतिथिगण हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलन के इस परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे अतिथिगण, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इतने महान हस्ती शख्सियत अपना कीमती समय निकालकर आज इस विद्यालय में हम नाचीजों को समय दिया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अतिथिगण आज के इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम, इस गरिमामय कार्यक्रम को और भी चार चांद लगाए, और स्वागत के लिए मैं, क्योंकि प्रिंसिपल हैं स्कूल के, इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री पुरुषोत्तम कंवर जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत होनी चाहिए, ताली में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आज ऐसे ऐसे हमारे बीच ऐसी शख्सियत, ऐसे महानुभाव हमारे बीच हैं कि जिन्हें हम पाकर बैज भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। पैकरा जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। गुजारिश करूंगा कि पुष्पाहार से स्वागत करें और बैज लगाकर, पुष्पाहार और बैज लगाकर स्वागत करें। पुष्पगुच्छ और बैज लगाकर स्वागत करें श्री राम शरण जी का, विकास दास महंत जी। मनोज सोनी जी का स्वागत करेंगी प्रिंसी। Thank you.
सिंह जी का स्वागत के लिए मुस्कान जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। मुस्कान आदरणीय श्री गिरीश दुबे जी का स्वागत करेंगी साक्षी जी। श्री राकेश मिश्रा जी का स्वागत करेंगी भूमिका। निभाते हुए श्रीमती धनेश्वरी साहू अध्यक्ष फोटो मस्त होते हैं जागृति महिला मंडल के स्वागत के लिए मैं जीतू को आमंत्रित करता हूं। गुरुकुल शर्मा जी के जो कि लायंस पब्लिक स्कूल कोरबा के प्रिंसिपल हैं, उनके स्वागत के लिए मैं प्रियंका मैडम को आमंत्रित करूंगा। वहाँ और मंच में उनका स्वागत करें। काफ़ी देर से आप लोग के बीच वो मंच का संचालन कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही अच्छे अपने विद्यालय के प्राचार्य हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से उनके द्वारा विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। अनीशा को आमंत्रित करूंगा कि आए और स्वागत करें। उसके बाद प्रतिमा मैडम के स्वागत के लिए मैं वरिषा को आमंत्रित करूंगा, वो आए और स्वागत करें। माननीय इश्तियाक खान जी, माननीय रामशरण जी, माननीय दिलहरण साहू जी, श्री गिरीश दुबे जी, मनोज सोनी जी, अरविंद सिंह जी, माननीय राकेश मिश्रा जी, राजकुमार राठौर जी, धर्मलाल तिवारी जी, आलम सर जी, ज्योति दीवान जी, धनेश्वरी जी, डॉक्टर राधा सिंह जी, जे एस पैकरा सर, एस के जात्रा सर, रामगोपाल कंवर जी, रेणु तिवारी जी, रमेश शर्मा जी, अमित सर जी एवं प्रतिमा एवं हमारे सभी छात्र संघ का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ कि अपना अमूल्य समय निकाल करके उन्होंने हमारे विद्यालय प्रांगण में समय दिया, जिसके लिए मैं उनका बार बार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जैसा कि सभी कोई को मालूम होगा कि आज रानी लक्ष्मीबाई विद्यालय जिसका 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आज हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव समारोह है। साथ ही हमारे द्वारा आज ढलवाडी में इस साल प्रथम वर्ष एक एक गुरुकुल कॉलेज का भी शुभारंभ किया गया है, जिसका प्रथम वार्षिक उत्सव भी मनाया जा रहा है। साथ ही हमारा एक एक कंप्यूटर एजुकेशन हब निहारिका कोरबा, जिसका आज 11 साल पूर्ण हो रहा है, उसका भी वार्षिक उत्सव साथ में मनाया जा रहा है। हमारी यह तीनों संस्था साथ में संचालित हो रही है, जहां पर काफ़ी सारे विद्यार्थी हर साल पढ़ाई करके
और छह जगह में कोई काम कर रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी आज अनेकों कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा पान क्षेत्र में कार्य को आगे बढ़ाते हुए अपना एक अच्छा जगह निर्माण कर रहे हैं। हमारा कंप्यूटर संस्था जो है वहाँ से प्रैक्टिकल की नॉलेज लेकर के बच्चे अपने कार्य क्षेत्र में सारे प्रैक्टिकल के रूप में कार्य करते हैं। विद्यालय में नर्सरी से लेकर के 12th क्लास तक के छात्र छात्राएं सभी छात्र छात्राएं बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं और हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम का यह एकमात्र विद्यालय है जहां पर सारे बच्चे अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, जैसे कि आप सभी को जान रहे हैं जो विद्यार्थी आज अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करते हैं उनके साथ हिंदी लिखने और हिंदी बोलने में बहुत सारी समस्याएं आती है, लेकिन यही एकमात्र विद्यालय है जहां पर हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के छात्र छात्राएं एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे विद्यार्थी हिंदी में भी उतने ही अच्छे राइटिंग एवं उतने ही अच्छे बोल चाल की भाषाओं के साथ बात करते हैं जितने अच्छे से हुए इंग्लिश में बात करते हैं। तो ये इस विद्यालय और इस क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रतिभा का क्षेत्र है जिसकी वजह से बच्चे दोनों माध्यम में एक साथ बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चों और क्षेत्र की मांग को देखते हुए यहाँ पर कॉलेज की सघन आवश्यकता थी जिसके लिए बहुत ही अथक प्रयास के बाद कॉलेज भी शुरू किया गया। उसमें भी काफ़ी अच्छे छात्र छात्राओं ने अपना रुझान दिखाया और बहुत सारे बच्चों ने उसमें प्रवेश लिया और आज प्रथम वर्ष होने के बाद भी सारे बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं और उस पढ़ाई के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित ही उम्मीद है कि हमारे कॉलेज से निकले हुए बच्चे कहीं ना कहीं अच्छे जगह में हम उन्हें पहुंचाने का प्रयास करेंगे जिससे उनकी अच्छे जगह पर नौकरी लगे, यदि वो बिजनेस करना चाहते हैं उस क्षेत्र में वो आगे बढ़े। और जैसा कि अभी हमारे विद्यार्थी काफ़ी सारे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों का साइंस एग्जीक्यूशन का भी कार्यक्रम आज रखा गया है, जैसा कि इधर साइड में हमारे लिए साइंस का भी सभी बच्चों का ने एक छोटी छोटी अपने प्रोजेक्ट बनाए हैं क्योंकि यही एकमात्र विद्यालय है कटघोरा ब्लॉक में जहां पर अटल टिंकरिंग लैब लगा हुआ है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि डिजिटल साक्षरता को आगे बढ़ाने को लेकर के, तो उस डिजिटल साक्षरता का एक छोटा सा लैब हमारे कटघोरा ब्लॉक में इस विद्यालय को प्राप्त हुआ था। उस लैब के माध्यम से हमारे बच्चे बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे एक्टिविटीज़ के रूप में यहाँ पर बनाए हुए हैं जिसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा लूपिंग गेम और हाइड्रोलिक जेसीबी और मिट्टी की सांद्रता कैसे नापी जाती है और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं जो बच्चों ने खुद स्वयं मेहनत करके बनाया है। और इसी प्रकार से देखा जाए तो एक मात्र ऐसा विद्यालय है जहाँ पर विद्यार्थियों को हर साल नेशनल टूर में ले जाया जाता है और इस साल बच्चे इंटरनेशनल टूर से आए हैं जबकि अभी तक इस क्षेत्र में कोई भी विद्यालय के छात्र छात्राएं इंटरनेशनल टूर नहीं गए हैं और इनके लिए एक अलग ही प्रतिभा उन बच्चों में उभरी। वे इंटरनेशनल टूर के माध्यम से कैसे बॉर्डर क्रॉस किया जाता है, बॉर्डर से कैसे बच्चों को वहां पर चेकिंग के दौरान आगे गुजरना होता है, अलग देश में जा करके वहां पर हमारे नोट को किस प्रकार से एक्सचेंज करना होता है, ये सभी हमारे बच्चे जो गए थे टूर में वे सभी सीखे हैं और साथ में और भी बच्चों को अपने साथ प्रतिभाओं को अपनी जानकारियों को जो लोग सीख करके आए हैं देख करके आए हैं वो सभी अपने एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आसपास के सभी बच्चे उस चीज़ों को सीख रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो विद्यालय का इतने कम समय और कार्यक्रम भी बहुत सारे हैं हमारे पास करीबन आज 50 से ज़्यादा कार्यक्रम हैं। इसको देखते हुए ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा, शॉर्ट में यही बताने के प्रयास करूँगा कि हमारे बच्चे बहुत ही मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। आप सभी अभिभावक जो अभी यहाँ पर उपस्थित हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ, जिनके बच्चे जो आज पूरी मेहनत और प्रतिभा के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
माननीय गणेश जायसवाल जी, हमारे हमारे सहपाठी हर गोविंद डिक्सेना जी, पाली कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के संचालक, इनके स्वागत के लिए मैं वार्षिकोत्सव जो मनाया जा रहा है इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे क्षेत्र के सम्मानित विधायक भाई पुरुषोत्तम कंवर जी, माननीय लखन देवांगन जी पूर्व विधायक और मंचस्थ सभी अतिथिगण, ढेलवर जी जैसी छोटी सी जगह भले वो कावरी होने की वजह से एक कॉलोनी जरूर है यहाँ पर, लेकिन हमारे लिए गांव ही है और ऐसी जगह में इन्होंने एक कॉलेज के पहले तो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापित किया जो सामान्य बात है, लेकिन यहाँ पर एक कॉलेज की स्थापना की इन्होंने जो योजना बनाई वो निश्चित रूप से एक कठिन और बड़ा प्रयास था। और जाहिर बात है जब कोई किसी उद्देश्य को लेकर कठिन परिश्रम करता है तो उसमें सफलता मिलती है, इन्हें भी मिली और ये कॉलेज स्थापित हो गया है। जबकि ये जगह कठगोरा से बहुत दूर नहीं है जहाँ शासकीय महाविद्यालय भी है, बाकी मुंगरा में भी इसी वर्ष से शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ हो गया है। रानी लक्ष्मीबाई हायर सेकेंडरी विद्यालय एवं गुरुकुल महाविद्यालय कंप्यूटर कॉलेज तीनों के एक साथ आज यहाँ पर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कटघोरा क्षेत्र के विधायक, मध्य आदिवासी क्षेत्र के उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सम्मानी पुरुषोत्तम कंवर जी, सम्मानी शेख इश्तिहाक जी, सम्मानी अरविंद सिंह जी, सम्मानी मनोज सोनी जी, सम्मानी धर्म तिवारी जी, साथ ही हमारे मंच पे विराजमान सभी सम्मानी अतिथिगण, सभी हमारे अभिभावकगण, सभी विद्यालय के सम्मानी प्राचार्यगण, हमारे नन्हे मुन्हे प्यारे प्यारे छात्र छात्राएं, हमारे इस विद्यालय के अध्यक्ष सम्मानी अक्षय दुबे जी, हमारे मंच के संचालन कर रहे सम्मानी शर्मा जी और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानी भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आज बड़े बच्चों के लिए हर्ष का विषय रहता है। साल भर वो अपने पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, बाकी इस तरह से वार्षिक उत्सव का आयोजन होता है उसके माध्यम से अपने प्रतिभा को सामने रखने का एक अच्छा मंच मिलता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अपने कला संस्कृति को दिखाने का अवसर मिलता है, बच्चों का मन भी प्रफुल्लित होता है, उनके मन में एक खुशहाली होती है। तो निश्चित तौर पर वार्षिक उत्सव के माध्यम से हमारे बच्चों को एक अच्छा आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, क्योंकि पढ़ाई में हमेशा लगन के साथ में पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ में
शारीरिक मानसिक विकास के लिए खेल कूद का भी होना आवश्यक है। तो हमारे बच्चों को कैसे सारी क्षेत्रों पर अच्छा बनाया जाए, इसके लिए विद्यालय के माध्यम से प्रयास किया जाता है। अभी हमारे अक्षय दुबे जी जो विद्यालय के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि हमारे विद्यालय में किस तरह से बच्चों को, चाहे वो कंप्यूटर की शिक्षा हो, चाहे प्रैक्टिकल की शिक्षा हो, चाहे अन्य शिक्षाओं के बारे में जानकारी दी। निश्चित तौर पर विद्यालय हमारे चूंकि ढेलवाडी में है, ढेलवाडी एक तरह से गांव भी है और एक तरह से शहर भी है, और हमारे आसपास के ग्रामीण बच्चों को आज इंग्लिश का काफ़ी महत्व है। इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है, हिंदी में भी पढ़ाया जाता है। इसके माध्यम से हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। और चूंकि सरकार का महाविद्यालय तो है, बाकी साथ साथ प्राइवेट विद्यालय में भी हमारे बहुत सारे बच्चे अध्ययन करते हैं और कम फीस में इस विद्यालय में लोगों को अच्छा शिक्षा का गुणवत्ता के साथ में शिक्षा दिया जाता है। सब हम सबके लिए गर्व की बात है। छोटे विद्यालय से प्रारंभ हुआ और आज सैकड़ों की तादाद में विद्यालय पर बच्चों अपने अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बच्चों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो खेल कूद हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, साथ में पढ़ाई में सबसे ज्यादा आगे होना चाहिए। क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, आधुनिक जमाना है। हर माता पिता को चाहिए कि मैं अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा लिखा कर एक अच्छा नागरिक बनाऊंगा और इस भारत माता की सेवा करने के लिए समर्पित करूंगा, ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी एक अच्छा हो सके। शिक्षा से बड़ा धन कोई नहीं हो सकता। हर धन का चोरी हो सकता है, बाकी शिक्षा धन का कोई चोरी नहीं हो सकता। शिक्षा सारे जीवन में सबसे बड़ा उपलब्धि होता है। तो हर माता पिता को चाहिए कि मेरा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। आसपास के हमारे गांव के जो बच्चे हैं, अगर माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, उनको भी आप लोग को प्रेरणा देना चाहिए कि आपका बच्चा को स्कूल भेजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। क्योंकि सरकार भी चाहता है कि हर माता पिता का हर बच्चा शिक्षित हो। तो निश्चित तौर पर शिक्षा हर व्यक्ति के लिए बहुमूल्य चीज़ है। शिक्षा ग्रहण हर कोई को करना चाहिए और शिक्षा से बड़ा धन कोई नहीं हो सकता। क्योंकि कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और आप सब लोग बच्चों को कार्यक्रम देखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं विद्यालय परिवार को और विद्यालय के सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। कॉलेज ढेलवाडी रानी लक्ष्मीबाई हायर सेकेंडरी स्कूल और एक कंप्यूटर एंड एजुकेशन न्याका कोरबा, तीनों के सम्मिलित इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर उपस्थित कटोरा क्षेत्र के पूर्व विधायक, पूर्व संसदीय सचिव आदरणीय लखनलाल देवांगन जी, इस अवसर पर उपस्थित डॉक्टर शेख सियाग जी, कृषि पचमन जी कटघोरा का उपाध्यक्ष रामचरण सिंह तंवर जी, आदरणीय साहू जी, मनोज शर्मा जी, अरविंद सिंह जी, मिस्टर राकेश मिश्रा जी, राजकुमार जी और मैं तो उपस्थित सभी अतिथिगण, विशेष करके अक्षय दुबे जी जिन्होंने आमंत्रित किया है, इस अवसर पर उपस्थित राम गोपाल कंवर जी और इस वार्षिक उत्सव का आयकर उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, ग्राम के सभी गणमान्य नागरिकगण और प्यारे बच्चों, वार्षिक उत्सव जैसे इनाम से ही जाहिर होता है, वर्ष भर में होने वाला एक बार जो उत्सव होता है, जिसका इंतजार बड़ी बेसब्री से बच्चों को रहता है। साल भर की पढ़ाई के बाद एग्जाम के पहले होने वाला आयोजन है, जिसके लिए बच्चे बहुत लंबे समय से तैयारी करते हैं और इस मंच के माध्यम से
बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा है उसको बढ़िया मंच में मिलता है और जो बच्चों का जो शकपन है वो भी इस प्रतियोगिता के माध्यम से दूर होता है। जैसा कि हमारे अक्षर दुबे जी बता रहे थे कि महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में पढ़ाई होती है, ये आज के समय की आवश्यकता है, जरूरत है। अगर हम सिर्फ अपने बच्चों को हिंदी माध्यम में पढ़ाएंगे तो आगे चल के जो इंडिया लेवल पे जो कॉम्पिटिशन होता है उसे पिछड़ जाते हैं सिर्फ अंग्रेजी भाषा ज्ञान न होने का। तो निश्चित रूप से आज समय की आवश्यकता भी है और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी शुरू भी कर दिया इस काम को। हर जगह स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम इसको चालू किए हैं, अब कई जगह दोनों माध्यम भी चालू हिंदी अंग्रेजी दोनों भी कर दिए। और उस स्कूल की विशेषता ये भी है उसमें हमारे जो वेद पुराणों की भाषा है संस्कृत को भी एक दिन पढ़ाया जाता है और जो राज्य की भाषा है छत्तीसगढ़ी बोल हमारी भाषा है उसको भी पढ़ाया जाता है। तो एक तरह से बच्चे अपनी मातृभाषा के साथ साथ जो स्थानीय भाषा है उससे भी परिचित होंगे और जो हमारी पौराणिक वेद पुराण की भाषा है उसको भी जानकारी रखेंगे तो निश्चित रूप से आगे चल के हमारे बच्चे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। आगे चल के IAS IPS डॉक्टर्स इंजीनियर साइंटिस्ट भी बनेंगे तो निश्चित रूप से उनके अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होने से उनको बहुत मदद मिलती है। और बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ साइंस एग्जीबिशन भी लगा हुआ है तो निश्चित रूप से बच्चों का जो प्रतिभा है तो निखर के भी सामने आ रही है। अभी चल कर देखेंगे भी कि बच्चों ने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। और इस अवसर पर दुबे जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने तीनों संस्थाओं का संयुक्त उन्होंने एक वार्षिक उत्सव का भी आयोजन किया हुआ है और खास करके सभी बच्चे जो आए हुए हैं उससे आग्रह है निवेदन है कि आप ही हमारे देश के भविष्य हैं और आप सब लोग क्योंकि जो ये स्कूल का समय होता है जीवन में दोबारा लौट के नहीं आता तो सब लोग अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लें कि आपको जीवन में क्या बनना है उसके अनुरूप आप जब कड़ी मेहनत करेंगे लगन से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से जो आप लक्ष्य चाहते हैं उस लक्ष्य को आप सब लोग प्राप्त करेंगे। और विद्यालय में हर एक्टिविटी संचालित होती है उसमें आप सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए चाहे खेल कूद हो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या एग्जीबिशन हो या जो भी आपको स्कूल में आपको गतिविधियों में आपको कराया जाता है तो सबको आप लोगों को भाग लेना चाहिए। तो निश्चित रूप से हर बच्चे में अलग अलग तरह की प्रतिभा छुपी होती है, कोई खेल के क्षेत्र में आगे होता है, कला संगीत के क्षेत्र में आगे होता है, तो साहित्य के क्षेत्र में आगे होता है, हर बच्चे की अपनी अलग प्रतिभा होती है। तो ऐसा मंच और अवसर प्रदान आपके संस्था के द्वारा किया जाता है तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश का और देश का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। और चूंकि भाषणबाजी में ज्यादा लंबा समय हो जाता है आप सब लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए जो वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम हो उसको हम लोग आगे बढ़ाने में मदद करें। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, ये तो सच है है।
Oh,
है।